हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी सलाद। फ्रेंड्स, अगर आप एक बार पूरे दिन भर में एक सलाद खाएंगे एक प्लेट भर के, तो पूरा दिन आपको इससे एनर्जी मिलेगी, आपको भूख भी कम लगेगी, इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम रखेंगे, पहले हम 2 से 3 ग्लास के करीब पानी, इसको हम बॉयल कर लेते हैं। तो पानी में हल्का सा बॉयल आ चुका है, तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हमें इसमें ब्रोकली को बॉयल करेंगे। तो नमक को अच्छे से पहले हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें एक बढ़िया सा और थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं। तो इसमें पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, तो अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक ब्रोकली, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह के टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है। फ्रेंड्स, ब्रोकली हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो तीनों तरह की गोभियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है ये, खासकर सलाद वगैरह में खाई जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें भरपूर मात्रा में इसमें फॉलिक एसिड होता है, ये हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, इससे वजन कम होता है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति होती है इसमें। तो हम दिन भर में अगर ब्रोकली वगैरह का सलाद वगैरह खाएंगे, हम इसको किसी भी खाने में यूज करेंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इससे बनाए हुए सलाद चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इसलिए मैं आपको एक सलाद बोल दीजिए या चाट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने इसको 50 से 60% तक कुक कर लिया है, इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। तो अब हम गैस को ऑफ करके इसको निकाल देते हैं। अब हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन, और मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर ये 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, घी भी काफ़ी हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट मैं इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटा चाट जैसा बनाने के लिए बना रही हूँ, जिससे कि हम जो सलाद वगैरह खाएंगे तो टेस्टी बहुत ज़्यादा लगे, जिससे बच्चे भी खा लेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टेस्टी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च ली है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये पीले कलर की शिमला मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल पीली ना हो तो आप उनको स्किप कर दीजिए, बट शिमला मिर्च में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, फॉलेट भी होता है इसमें, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये। तो आपके पास जो जो सब्जियाँ अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा सॉटे कर लिया है शिमला मिर्च को, हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सिर्फ हल्का हल्का सा सॉटे करना है, जिससे कि इनका कच्चापन इसमें से निकल जाए। फ्रेंड्स, जो मैं ये सलाद या चाट आपको बना के दिखा रही हूँ ना, इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपको एक बार खाने से आपको पता चलेगा कि पूरा दिन आपको एनर्जी मिलेगी, भूख भी कम लगेगी और वेट लॉस भी आपका बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो सब्जियों को मैंने हल्का हल्का सा इस तरह से सॉटे कर लिया है। अगर आपके पास रेड और पीली शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसमें ग्रीन जो शिमला मिर्च होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इनको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी मसूर की दाल साबुत वाली। इसको पहले मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था, यानी कि 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है, उसके बाद मैंने इनको पानी में बॉयल कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से बॉयल्ड मैंने दाल ली है यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर मसूर दाल ली है, आप इसमें मूंग दाल ले सकते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद की दाल इसमें ले सकते हैं। मसूर दाल में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, काफ़ी सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो मैंने ये दाल डाली है इसमें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक एप्पल लिया है, यानी कि सेब, जिसको मैं इस तरह से चॉप कर लिया है। फ्रूट्स में आप कुछ भी फ्रूट्स ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं आप इसमें, और इसमें आप केला भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स। फ्रेंड, फ्लैक्स सीड्स के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको अगर गिनाने बैठ जाऊँगी ना तो मुझे शाम हो जाएगी, इतने सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये हमारी हेल्थ के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच तिल, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और नींबू के बिना तो चाट या सलाद वगैरह टेस्टी नहीं लगते हैं, तो ये डाल दिया है आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उसको और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें इसमें, तो मैंने यहाँ पर ये 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, अलसी खाने से हमारे बाल नहीं झड़ते हैं, जवान रहते हैं हम, और जो हमारा पाचन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर ये पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं, अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए, वरना आप इनको स्किप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं उनके बजाय अगर आपके पास और भी चीज़ें हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं ना, वो सभी चीज़ें मैंने ऐसी डाली हैं कि उनके फ़ायदे इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। दाल तो
जो मैं दाल इसमें डाली है मसूर की दाल, वो क्या होता है कि हमारा पाचन जल्दी से कर देती है, यानी कि जो दाल है सबसे हल्की दाल होती है और खाने में भी इससे पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट पर इस तरह से सर्व करेंगे। ये देखिए, देखने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और खाने में तो इतनी लाजवाब है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जब मैंने इसको बना के खाया था, मेरे यहाँ पर डेली ये सलाद बनता है इस तरह का, या कुछ ना कुछ मैं सब्जियाँ और इसमें ऐड वगैरह करके, कभी मैं कुछ फ्रूट डाल देती हूँ, कभी कुछ सब्जियाँ डाल देती हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पर ये खाती हूँ, क्योंकि हमारे लिए सलाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसको नमकीन सेब से डेकोरेट कर दिया है, जिससे कि बच्चों को ये थोड़ा सा पसंद आ जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।